अभी हम लोग आ गए हैं भेड़ा घाट डायरेक्टली। ब्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो ब्लॉग करने का बिल्कुल मन था, हेडेक हो रहा था। चलो तो आपको दिखाते हैं भेड़ा घाट कैसा है, धुआंधार यहाँ पे अभी क्या क्या है पूरा एक्सप्लोर करेंगे आज। ये देन एक और नई जनवरी, आज है 7 जुलाई 2021। तो आज हम जा रहे हैं जबलपुर, आपको दिखाते हैं ब्लॉग में कैसा क्या रहता है। ब्लॉग शुरू नहीं हो पाया था, काफ़ी लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता। अभी हम लोग रुके हैं तो फोटो शूट कर रहे हैं वहाँ पे, तो जा रहा हूँ मैं जबलपुर, आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आज वहाँ पे कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है, कैसे जाना है आपको, कौन सा रूट जाना चाहिए, कार से जाते हो आप या बाइक से जाते हो ट्रेन से जाते हो। चलते हैं और भेड़ा घाट भी चलेंगे जबलपुर में और आपको। और यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको 50 रुपये की टिकट लेनी होगी जो कि कार पार्किंग के लिए होती है और अंदर जाने की साइड के लिए होती है। ये भेड़ाघाट की एंट्री करने का मेन गेट है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, अंदर जाने का कोई भी टिकट नहीं है। यहाँ पे आपकी पार्किंग होगी जो कि पार्किंग का 10-20 रुपये चार्ज होता है, वो आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर खाने पीने की चीज़ भी मिल जाएंगी आपको, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं यहाँ पर और ये पूरी पार्किंग है, पूरा पार्किंग एरिया है भेड़ाघाट का। तो आप यहाँ पे जाके अपनी कार पार्क कर सकते हैं, बाइक पार्क कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बाइक कार ले जाना अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ से रास्ता नीचे की साइड जाता है। और मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप आराम से ले सकते हैं, कोई रीजनेबल चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं, यहाँ पे संगमरमर के जो पत्थर बनाए जाते हैं वो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। और ये बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आप यहाँ पे जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं रीजनेबल रेट में। और काफ़ी बढ़िया सा लगा यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी जहाँ पर भेड़ा घाट है वहाँ पर। आपको 500 से 600 मीटर तक ट्रैक करके जाना होता है अंदर से जो रास्ता जाता है यहाँ से, जो कि भेड़ा घाट के लिए अंदर की साइड जहाँ पे 2000 फॉल है वहाँ तक आपको पैदल ही जाना होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से हम धुआंधार वाटरफॉल के लिए जाते हैं जो कि ये रास्ता सीधे वहीं जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स है, यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत तो आपको कभी भी नहीं होगी। बरसात के टाइम पे बस यही है कि अगर ज़्यादा बरसात होती तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी के लोग और बन जाए और बारिश से बच जाए। तो बारिश में बस अभी हम लोग आ गए हैं भेड़ा घाट डायरेक्टली। ब्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो ब्लॉग करने का बिल्कुल मन था, हेडेक हो रहा था। चलो तो आपको दिखाते हैं भेड़ा घाट कैसा है, धुआंधार यहाँ पे अभी क्या क्या है पूरा एक्सप्लोर करेंगे आज। ये तो ये ऊपर से लेके नीचे तक का व्यू है यहाँ का, फिर यहाँ से आपको पैदल ट्रैक करके जाना होगा आगे। यहाँ पे आपको जाने दिया जाता था पहले, अभी यहाँ के जो गेट वगैरह थे सारे हटा दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है ये धुआंधार का, इसलिए बंद कर दिया गया है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं आगे, वहाँ पे चल के देखते हैं। और अगर आपको नाइट स्टे करना है तो यहाँ पे रिसॉर्ट बने हुए हैं ऊपर की साइड, तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। आपको
वाटर स्पोर्ट या फिर पानी देखना बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार आप जबलपुर ज़रूर आना। यहाँ पे धुआंधार बेगा घाट है तो आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा और आप देख सकते क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको व्लॉग कुछ ज़्यादा नहीं आया होगा क्योंकि एक्चुअल में जो है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हो पा रहा था। जल्दी जल्दी आना फिर फ्रेश व्रेश होकर तैयार वैयार होकर फिर यहाँ पर निकल लूँगा। खाना पीना भी खाया वो भी मैं नहीं बता पाया आपको। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो और आगे चल के भी देखते हैं अपन कैसा क्या रहेगा। तो ये पूरा सीन है यहाँ का, काफ़ी बढ़िया सा सीन है देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। अभी आगे चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे चल के नहाएंगे बढ़िया से, एकदम ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। अगर आप लोग जबलपुर आते हैं तो भेड़ाघाट जरूर घूम के जाना, यहाँ से भेड़ाघाट काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर गंदगी काफ़ी फैला के रखी है इसलिए गंदगी मत फैलाया करो यार, कभी अच्छा नहीं लगता कि अपन अच्छी जगह जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, तो गंदगी बिल्कुल भी मत किया करो ख़ास तौर पर ऐसी जगह। अगर आप जबलपुर आ रहे हो तो एक बार भेड़ाघाट जरूर आना, यहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो आराम से, यहाँ पर पानी का आनंद ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आके आप नहा भी सकते हो, यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हो जगह है सारी, तो बस आपको चेंजिंग की प्रॉब्लम रहेगी, बाकी आप यहाँ पे बॉयस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको गर्ल्स को थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। आप भी यहाँ पे आके शिकंजी पी सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल रेट में थी और काफ़ी अच्छी भी थी। लोग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।